हाय दोस्तों, आज क्लास फोर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास फोर में जो है हम लोग टुडे हाई स्पीड मिलिंग करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब कवर कर चुके थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग मिलिंग के जो टुडी कमांड थे वो खत्म कर चुके हैं। अभी हाई स्पीड करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मिलिंग पर जाएंगे, डिफॉल्ट पर जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसकी स्टॉक लेना है। तो ये फाइल जो है अभी ऑलरेडी मैंने IGS है, इसको मैंने सॉलिडॉक्स में बना के यहाँ पे इम्पोर्ट किया हूँ, ठीक है। अभी ये IGS फाइल में है, ठीक है। जब आप टुडे हाई स्पीडिंग करते हो तो इसमें आपको कार्व का जरूरत है। तो इस केस में हम कैसे कार्व एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, स्टॉक सेटअप में गया, रेक्टेंगुलर स्टॉक लूंगा, वाइट फ्रेम में चाहता हूँ। सॉलिड में चाहते हो तो आपको सॉलिड भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं वाइट फ्रेम में चाह रहा हूँ, तो ऑल सॉलिड ऑल एंटिटी, ठीक है। तो -30 mm की स्टॉक मिल रहा है यहाँ पे, 30 mm की हाइट है और 100 mm का आपका लेंथ है और जो वैक्स है आपकी 180 mm का। तो मैंने इसको ओके कर दिया, तो मेरा यहाँ पे स्टॉक आ गया है। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले जो है हम लोग कौन सी कमांड लेंगे, तो पहले हाई स्पीड में मैं डायनेमिक मिलिंग करूंगा। डायनेमिक मिल करने से पहले आपको कुछ एरिया डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे जो ये कमांड है ये एंटिटीज में काम करते हैं, मतलब आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा कुछ के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएट। लास्ट टाइम मैंने एक कमांड बताया नहीं था आपको, ये कमांड अभी देख लो। यहाँ पे जो है ना मेरा सिलेक्टेड बाउंड्री, इसमें क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे मिलिंग पॉकेटिंग करना होगा या मिलिंग करना, जो भी ये कमांड है, ठीक है। ठीक है, तो डायनेमिक मिलिंग में इस एरिया में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करके कितना आप टॉलरेंस जाना था, 0.02, तो मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे मेरा एक कार्ब बन के आ गई, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो है डायनेमिक मिलिंग करूंगा, हाई स्पीड मिलिंग करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हाई स्पीड मिलिंग का भी फॉर्मूला होता है, जहाँ स्पिन ड्रेसिप द्वारा लेने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं डाल दूंगा नीचे, मेरे पास शार्ट है, वो शार्ट में आपको डाल दूंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे सिंपली डायनेमिक मिलिंग। तो डायनेमिक मिलिंग में जाके आपको इसके नाम लिखना है, जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हो। उसके बाद आपको जाके मशीन रीजन, किस एरिया में आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेन मांगते हैं, ठीक है। तो सेन मांगने में क्या होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको एरिया डिफाइन करना था, तो मैं इस जो बाउंड्री है मैं बाउंड्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर बाउंड्री को। तो यहाँ पे टूटी जो मशीनिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसमें सिलेक्ट सेन टू मांग रहा है। अगर सेन यहाँ पे और किसी एरिया में आप करना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो मुझे नहीं करना, मैं ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेन जो है सिलेक्ट हो गया है, तो मैं इसको ओके कर पाऊंगा। जैसे मैं डायनेमिक मिलिंग करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले पूछेंगे आप डायनेमिक मिलिंग कर रहे हो, रीजन आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ आई डिफॉल्ट आपने मिस कर दिया तो सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी जाके आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेन ओपन है या ओपन नहीं है मेरा, इनसाइड हम कटिंग करेंगे। अब आउटसाइड करना इस एरिया की, तो आप आउटसाइड मशीनिंग भी कर सकते हो। जिस एरिया में सिलेक्ट किया मैंने, जिस एरिया को सिलेक्ट किया था, इसकी इनसाइड करना है तो हम इनसाइड लेंगे, आउटसाइड करना है तो यहाँ पे आउटसाइड लोगे आप, मुझे इनसाइड करना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे हम टूल में। टूल में जाके सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एनमिल ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे एनमिल ले रहा हूँ, डस्ट का ले रहा हूँ, ठीक है। कटिंग लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्लैट लूंगा और आप यहाँ पे जो टूल नंबर वगैरह, ऑफसेट वगैरह, स्पिन रेट स्पीड, रिटेक स्पीड जो भी है, क्योंकि जो डायनेमिक मिलिंग होता है, हाई स्पीड मिलिंग होते हैं, इसमें स्पिन रेट स्पीड वगैरह की फॉर्मूला लगता है, बाई डी एन बाई 1000 का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर स्पिन रेट आपको कैलकुलेशन करके डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो है इसमें फिनिश कर दे रहा है। तो होल्डर में जाके होल्डर को मैं डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। कार्ट पैरामीटर, कार्ट पैरामीटर में आप क्लाइम्स आते हो या आप कॉन्वेंशनल चाहते हो, ठीक है। टिप जो है हम टिप ही रखते जाते हैं। तो अप्रोच साइज का रखना है, पासेस फेसेस कितना है, स्टेप वाइज जो है मैंने 2.5 का रखा हो, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा आता है हाई स्पीड मशीनिंग पे। और जो फिनिशिंग के बाद यहाँ पे जो आपके स्टॉक रहेंगे, कितना स्टॉक रहेंगे 1 mm का, मैं जो रफिंग हो रहा है उसमें 1 mm का स्टॉक मतलब फिनिशिंग में रख जाएगी, मतलब फिनिशिंग के लिए हम रख देंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद डेप्थ कट वगैरह ऑफ रहेंगे, एंट्री मोशन वगैरह आप हेलिक्सियल लेंगे में, ठीक है, ज्यादातर हम हेलिक्सियल लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेस्ट मेटल में, अगर रेस्ट मेटल को हटाना है तो आप हटा सकते हो, इसको भी ब्रेक थ्रू नहीं करना है। लिंकिंग पैरामीटर जाके मैं सबको एब्सोल्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है -10 mm की कटिंग करूंगा, बाकी जाके यहाँ भी आप प्लेन वगैरह सेम चलेंगे, कूलन वगैरह ऑन करना तो कर सकते हो, बाकी इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो है आपके पैरामीटर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इसको ओके कर दिया हूँ। अब देखोगे इस एरिया में जो है मशीनिंग हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस एरिया, पार्टिकुलर एरिया में हम जो है मशीनिंग कर दिए,
ठीक है, अगर आपको रेसमिलिंग करना है तो आप जो कोने में एरिया है इसको भी आप हटा सकते हो रेसमिलिंग पे, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी हट जाएगी इसमें भी, तो अब इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो पहला कमांड है टू डायनेमिक मिल, सॉरी डायनेमिक मिल जो है हो गया है। अब जो नेक्स्ट कमांड है हम लोग की डायनेमिक कंटूर, डायनेमिक कंटूर के लिए आपको भी इसकी एरिया लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, इसकी बाउंड्री लेंगे। बाउंड्री में हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोलिड सिलेक्ट करो, सरफेस सिलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे नीचे के फेस सिलेक्ट करूंगा, तभी इसकी जो आउटर बाउंड्री है एक मेरा ऊपर कार्व आ जाएंगे, तब मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे देखो एक मेरा कार्व आ गई ब्लू कलर की, ठीक है। अब इस एरिया को लेके हम कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। तो कंटूरिंग के लिए क्या करेंगे, हम डायनेमिक कंटूरिंग के लिए हम लोग डायनेमिक कंटूर में जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो डिसीजन रीजन पे जाएंगे तो हम इसके बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके करना है आपको, जैसे मेरे यहाँ पे एरिया मेरा सिलेक्ट कर लिया हो, टूल लेना है मुझे, टूल में सेमी लेना चाहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी होल्डर भी मेरा डिफॉल्ट ही रहेंगे। अब इसमें पूछते हैं आपको इनसाइड लेना है कि आउटसाइड लेना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट राइट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, मतलब आपका अंदर सही है बाहर सही है। अप्रोच डिस्टेंस कितना होने 12 mm का, 12 का जो हमने अप्रोच डिस्टेंस लिया है, स्टेप ओवर जो है 2.5 है, ठीक है। तो बाकी जो है सेम रहेंगे, हम लोग 1 mm का रहेंगे इस मेटेरियल, ठीक है। इसमें आप एयर भी ले सकते हो, एयर भी रख सकते हो, हम मेटेरियल ही रखेंगे, ठीक है। कंट्री वॉल जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग 0.0 रखे हैं। लैपटॉप कार्ड वगैरह आप डाल सकते हो। फिनिशिंग ब्रेक थ्रू लिंकिंग पैरामीटर में जाके हमने -30 mm का हम इसको काट कर लेंगे। अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो है इनसाइड कटिंग हुआ है ना, तो हम एक बार दिखा देता हूँ आपको, अब देख पा रहे हो इनसाइड कटिंग हुआ है। तो हम जो है इसको बाहर लेंगे, बाहर लेने के लिए आप जाओ यहाँ कट पैरामीटर में जाके लेफ्ट को जाके राइट कर दो, कॉपी कर दो इसमें, फिर इसको आप रीजनरेट कर दो। अब देखो ये जो है बाहर से कटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। ये हाई स्पीड कंटूरिंग है, इसमें आपको बहुत टाइम सेविंग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटूरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंटूर जो है हो गया है। अब नेक्स्ट कमांड जो है, नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर यूज होते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया में भी यहाँ पे सेम चीज यूज करूंगा, इस एरिया पर्टिकुलर एरिया को काटिंग करने के लिए, तो सेम चीज मैंने सिलेक्ट करूंगा, यही सिलेक्ट हो रखा है मेरा, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो एरिया क्लियरेंस में हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब सेम रहेंगे, टूल वगैरह आपको चेंज कर सकते हो, बस इसमें आपको जो कॉर्नर राउंडिंग है इसके ऑप्शन आते हैं, कितना रेडियस देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कॉर्नर राउंडिंग में। अगर रेडियस देना चाहते हो तो रेडियस सकते हो, मैं इसमें रेडियस नहीं रहूंगा। अब जो स्टॉक लीफ है इसमें मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जो है अभी कम कर ले रहा हूँ। और इसमें जो स्टेप ओवर है 5% में मांगते हैं, मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है, ठीक है। ऑलरेडी मेरा कटिंग हो चुका है, ठीक है। तो 2D जो हाई स्पीड है इसमें हम ज्यादा यूज करते हैं कमांड वगैरह, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हम जब तक कट वगैरह ये थोड़े देर में ऑफ रहेंगे, रेस्ट पैरामीटर लिंक इन पैरामीटर में सेम जाके मैं इसको -10 mm का मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपके एक ऑप्शन मिलता है GST लीड वगैरह, अगर आपको ऑन करना है तो लीड अगर ऑन कर सकते हो, लीड ऑन लीड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वगैरह 0.0 करना है इसमें, बाकी जो है सेम रहेंगे। अब देखो इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके देखो, इस तरीके से ही यहाँ पे मशीनिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक इस तरीके से इसने जो है स्टेप मैंने स्टेप ओवर लिया था 4 point something का लिया था, तो उस तरीके से ये अंदर जाए फिर इसके ऊपर मशीनिंग होंगे, ठीक है दोस्तों। 3D में देखना, 3D में मैं दिखा दूंगा एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये हो गया, अभी जो है थर्ड करने वाले हैं। थर्ड में थोड़ा देखो, इसमें मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बताऊंगा। इसमें जो है हम नेक्स्ट कमांड जो है हम लोग की पिल और ब्लेंड है। पिल कमांड में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्लॉट में करते हैं, जैसे हम लोग हमें हाई स्पीड मशीनिंग की नहीं है, तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन आता है हम लोग की, ठीक है, लॉक टॉवर वाले जैसे वाला आता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन आती है आपकी, वह जो स्लॉट वगैरह सेलब वगैरह ऑप्शन आते हैं, तो किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ये ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कमांड पे हम कुछ कमांड जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस कमांड जो है हाई स्पीड मशीनिंग के लिए होते हैं, तो यहाँ पे भी 2D पे भी कुछ चीजें होती है, ठीक है, जैसे वाटर लाइन वगैरह होती है, तो इसमें कुछ कमांड आपको करना पड़ता है 20 में स्लॉट चलाने के लिए, स्टेप चलाने के लिए। तो इस केस में हम वो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इस सर्फेस को, क्रिएट में जाएंगे, बाउंड्री में चले जाएंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो दो जो बाउंड्री बन के आ गई, ठीक है।
अब सीन ये है, यहाँ पे भी एक बाउंड्री बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग में, आप देख पाओगे ऐसे करूंगा तो ये देखो ये भी बाउंड्री बन गई, लेकिन मुझे इसका जरूरत नहीं है, तो इसमें मुझे इसको नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कम देखेंगे इसमें कैसे काम करते हैं, टूलपट में जाएंगे, हाई स्पीड फिल, यहाँ पे सेंड सिलेक्ट है, आपको सेंड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पॉइंट सिलेक्ट करने का, विंडो सिलेक्ट करने का, एरिया सिलेक्ट करने का, सिंगल लाइन, पॉलीगॉन, ठीक है। तो हमको जो है लाइन लेंगे सिंगल लाइन, तो मैं सबसे पहले जो है ये वाला लाइन ले लूंगा, ये लो ये लो, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है यही ले लेता हूँ मैं, डायरेक्शन आप देख लेना, कुछ एरिया मेरा सिलेक्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो मेरा सेंट था उसको हम जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो मेरा सेंट है उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो आपको सेंट आ रहा है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो इस पार्टिकुलर सेंट है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब जो है इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने ये सेंट फालतू का सेंट था, ये वाले सेंट था, ये वाले सेंट था, इसको आपको डिलीट करना है। तो उसके बाद आपको कमांड पे जाना है, अगर डिलीट नहीं करोगे तो यहाँ पे किसी सिंगल सिंगल लाइन सेलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो है अभी सेंट ही लूंगा, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब देखो बस इतना ही सिलेक्ट हो गया, फिर सेंट तुम्हें मेरा इतना ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे आप डायरेक्शन लेते हो ना अगर उल्टा हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन का भी ऑप्शन आता है, तो आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है इसमें कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला सेम है, तो ये वाला भी सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है मेरा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने जो है इसमें सिलेक्ट करना है, इस हम फिलिंग करेंगे इस पार्टिकुलर एरिया आपको, तो टूल जो है हम लोग वही रखते हैं, इसको सेंस करने का जरूरत नहीं है, तो आप सेंस भी कर सकते हो अपने ऑपरेशन के हिसाब से। तो मुझे इसमें दिखाना था आपको, ठीक है। तो या डायनेमिक फिलिंग करना है या आपको फिलिंग करना है, तो आप जो डायनेमिक फिलिंग करेंगे, हाई स्पीड फिलिंग करेंगे, क्लाइंब जो है क्लाइंब भी रहेंगे, टिप रहेंगे इसमें हमेशा, स्टेप ओवर वगैरह आप ऑलरेडी है, इसको आपको सेंस करना तो सेंस कर सकते हो, मैंने बता दिया ये क्या होता है। डेफ कार्ड वगैरह इसमें हम सेंस नहीं करते हैं, ठीक है। पासिस पासिस वगैरह आपको करना है तो कर सकते हो, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट में सिंगल पासिस करते हैं, मल्टीपल पासिस करना है, दोनों को इसमें कितना स्पेस रखना है, तो आप यहाँ पे आप उसको इसको मेंटेन कर सकते हो। अगर इसको ऑन करोगे सिंगल के जगह मल्टीपल करोगे तो दो बार यहाँ पे ऑपरेशन होगा। ब्रेक थ्रू नहीं करना है, लिंकर पैरामीटर में हम जाके इसको माइनस 10 mm की फिलिंग कर देते हैं, बाकी जो है सेम रहेंगे। अब देखोगे इस ऑपरेशन में यहाँ पे फिलिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको गैप कितना छोड़ना है, कितना टूल रहना है, उसके हिसाब से ऑपरेशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी आपकी फिलिंग का, अगर इसको मैं चला के दिखाऊं तो लाइक इस तरीके से आपकी फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है बाउंड्री में नहीं जाएंगे, कुछ जो है यहाँ पे लिमिट लग जाती है, ठीक है। तो आपको बाउंड्री में कराने के लिए आपको प्लान वगैरह चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको रेस्ट मिलिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तभी ये बाउंड्री हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो इसका ये सीन होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है इसमें जो है कुछ रह गई है, इसके लिए आपको अलग से कार्ब को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैनुअल कार्ब बनाना पड़ेगा, तभी ये आप इस जो पोजिशन है इसको आप कार्ब कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग की कमांड आता है ब्लेंड, ब्लेंड कमांड। तो ब्लेंड कमांड में क्या होता है, आपको सेन सिलेक्ट करना होगा, सेन वन, तो सिमिलरली सेन टू, दोनों सेन सिलेक्ट कर लिया ब्लेंड कमांड में भी, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ब्लेंड किया है, ब्लेंड में क्या करेगी, एक साइड के एरिया जो है क्लियर कर देती है। तो मैं तैयार नहीं रखना चाहता हूँ इसमें, अगर टूल चेंज करना चाहते हो थोड़ा फिनिशिंग विनिशिंग के लिए, तो आप टूल चेंज कर पाओगे। तो इसमें तीन का रख रहा हूँ, ठीक है। होल्डिंग जो है सेम रखाऊंगा, होल्डर कट पैरामीटर वगैरह जो है जिग-जैग ही रहेगी, क्लैंप डायरेक्शन ऑन ऑफ करना है। देखो इसमें आप लेफ्ट साइड भी दे सकते हो, फिनिशिंग के लिए राइट साइड भी कर सकते हो, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है मेरा, कार्ड वगैरह ऑफ रखूंगा, लिंकिंग पैरामीटर में इसमें मैं एब्सोल्यूट करके माइनस 10 डाल लूंगा। अब मैं इसमें दोनों एक चीज दिखूंगा, अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो फिनिशिंग है लास्ट तक आ गया है, ठीक है। अगर इसमें आप लेफ्ट करोगे तो साइड में गैप रह के भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको एक साथ चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम एक साथ देखते हैं इसको क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो है मैंने डायनेमिक मिल चलाया है ना, हाई स्पीड चल रहा है, कॉन्टूरिंग होगी मेरा डायनेमिक कॉन्टूरिंग,
फिर मेरा जो है वो लैंड होगी, थोड़ा थोड़ा गैप रह गई है ना, तो उसके बाद जो है मैंने ब्लेंडिंग कर दिया। तो ये है ओवरऑल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल ऑपरेशन है, अगर इसको आपको काटना है तो इस आर्क को एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, तभी ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। और मैंने जाना था यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेटल रह जाती है, इसके लिए आपको रेस्ट मिलिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था, और इसमें एक कमांड में और बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको भी क्लिक देता हूँ। अब जो नेक्स्ट कमांड है इसमें हम देखेंगे एनग्रेविंग कैसे करते हैं। तो इस केस में हम लोग का 2D मिलिंग खत्म हो जाएंगी पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है 3D मिलिंग करेंगे, और इसके बाद हम लोग हाई स्पीड मिलिंग आएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एनग्रेविंग कैसे करते हैं। एनग्रेविंग करने से पहले मैं यहाँ पे कोई छोटी सी टेक्स्ट लिखता हूँ, एक छोटी सी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे जाऊंगा लेटर में। तो लेटर साइज अगर आप देख लो, मैं जो चाहता हूँ थोड़ा हाई मतलब बड़ा सा हो लाइक, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये वाला लेता हूँ, और जो साइज जो है थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 48 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी, जो भी लिखना है कैपिटल में लिखते हैं, लो ए बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इसके पोजिशनिंग बनाना है, किस जगह पे रखना है मुझे, इस एरिया में सिलेक्ट कर दिया। तो मेरा यहाँ पे ए बी सी आ गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस जगह में मशीनिंग हो, ठीक है। तो मैं ये वाला ले लूंगा, पहले वाले को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो पहला वाला आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। तो मैं पहले वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट और नॉन एसोसिएटिव कर देना, क्योंकि अगर एसोसिएटिव कर दोगे तो जो पहला जो कमांड थे आपके वो कमांड भी चले जाएंगे। इसको आपको नॉन एसोसिएटिव ही रखना है, ठीक है। तो मैं इसके टच ना कर दे, मैं इसको पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है इसको आप सिलेक्ट करो, टॉप ले लो, अब इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, डिलीट नॉन एसोसिएटिव कर देना, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसको भी आप डिलीट कर दो, डिलीट नॉन एसोसिएटिव एंटिटीज, क्योंकि एसोसिएटिव करोगे तो इसकी कमांड भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है हमने इसको ले लिया है, अभी सरफेस है, मैंने गलती से सरफेस को भी मैंने जो मेरा IGS फाइल में था इसमें हमेशा सरफेस में बनता है, तो सरफेस भी मैंने गलती से वो हो गई, कोई बात नहीं। हम जो है इसके ऊपर करने वाला है मशीनिंग, तो उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे एनग्रेविंग। तो यहाँ पे चेन सिलेक्ट करना है, चेन में हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, दो चेन सिलेक्ट कर दिया है। अब इसमें आपको कौन सी चलाना है, मैंने सब कुछ 3 का ले लिया। एनग्रेविंग टूल वगैरह लेना है, कितने एमएम का काट करना है, मुझे जो है -2 MM का काटना है, ठीक है। और इसमें रफिंग करना है, तो जिग-जैग से चलाओगे, कैसे चलाओगे, क्लियर कॉर्नर करोगे, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसमें ओके करना है। तो यहाँ पे आप जो है टूल जो है मेरा छोटा हो गया, मतलब मेरा जिसमें एनग्रेविंग टूल नहीं यूज किया हो, तो इस केस में जो है आप देखोगे तो थोड़ा मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपको क्लियरेंस मिल पाएंगे, क्योंकि टूल के हिसाब से ये जो है बहुत छोटा हो रखा है, ठीक है। तो इस केस में आपको एनग्रेविंग टूल वगैरह यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एनग्रेव टूल ले लो, ठीक है। इसमें आपको अच्छा वाला टिप मिल जाएंगे, ठीक है। टिप जो है मेरा डायमीटर 0.1 का टिप ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। तो अब इसको एक बार देख लो, तो इस एरिया में थोड़ा अच्छे से काटे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एनग्रेविंग में टिप वगैरह लेके आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत एरिया क्लियरेंस है, आपको टूल चेंज करना पड़ेगा या आपको अल्फाबेट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सब होते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही है। तो हम जो है आज जो है हम लोग का पूरा कमांड यहाँ तक खत्म हो गया है एनग्रेविंग तक। नेक्स्ट कमांड में हम रफिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, हाई स्पीड करेंगे। तो एक कमांड पे आई थिंक इतने खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में इतने खत्म हो जाएंगे। थर्ड में इसमें 2 क्लास लेंगे, और हम प्रैक्टिकल मॉडल पे करेंगे, जो ऑलरेडी हमने काम कर चुके हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा फाइल है, तो इसके ऊपर हम करेंगे। और जो इसके बाद जो है हम इसमें काम करने वाले हैं, लाइक ये जो पार्ट है हम इसमें काम करेंगे, जो मेरा डाई है, इंसर्ट है, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये है, इसके ऊपर हम चेंज करेंगे आने वाले केस में। तो इसमें भी दिखा देता हूँ एक बार, ये डाई है हम लोग की, इंसर्ट है आयरन की, तो इसके ऊपर हम टोटल चेंज करने वाले आने वाले केस में। ये भी हम करेंगे पूरा केस, पूरा केस स्टडी करेंगे।
अलग अलग सरफेस है, इसको अलग अलग में कहाँ पे क्या ऑपरेशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है मेरा, एक मेरा वो है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला केस है, इसकी भी फुल स्टडी करेंगे, इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पर फिर ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम करेंगे, ठीक है, पूरा केस स्टडी करेंगे इसके ऊपर। इसमें आप स्क्रू वगैरह है, नीचे से हम इंसर्ट भी काटेंगे, ठीक है, तो हर तरीके से हम केस स्टडी इसमें करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है, कोई कमेंट वगैरह करना है तो पूछ सकते हो, तब तक बाय।